सड़क जाम कर रोस वजों धरना प्रदर्शन कर रही सिख संगतां ते मौके दी नज़ाकत नूं वेखदे होए किसी अणसुखावी घटना नूं रोकण लई पहुंची पुलिस फोर्स। ये किसी सियासी पार्टी ज आगू के खिलाफ धरना लगा के नहीं बैठे, बल्कि एक अजिहे बाबे के खिलाफ रोस मुजहरा कर रहे ने जो पोले पोले हाथ फेर जनानिया सने बंदियां नाल भी गंदियां करतूतां करता सी। मामला है श्री आनंदपुर साहब का, जिथे आनंदपुर साहब गढ़शंकर रोड से झज चौंक नेड़े सिख संगत ने उस बाबे के खिलाफ धरना लाया होया, जिसते संगत कानूनी कार्रवाई की मंग कर रही ने। पूरा मामला की है तुसी आप ही सुन लो। मुख मार्ग है श्री आनंदपुर साहब नूंदा गढ़शंकर बाया आनंदपुर साहब, उहदे उत्ते एक पखंडी राम सिंह जो कि पिंड महैण का रहने वाला है, वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे तो भोले भाले लोगों को गुमराह करके उत्थे एक ढोंग रच रहा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र हजूरी के विच, कि जिहड़ा मैं शरीरक रोग है जां पथरी है जां किसी नूं कोई इलाज नहीं हुंदी उहनूं इलाज भी दिंदा है, वो जिहड़ी किसी नूं कोई पथरी की प्रॉब्लम है वह कपड़ा फेर के शरीर के उत्ते उहदा इलाज करता है। उहदे संबंध में असी पिछले लगभग 3-4 महीनों तो संघर्ष कर रहे हैं वख-वख प्लेटफार्म से। अप्रैल महीने के आप तख्त साहब से जाके भी इहदे विरुद्ध एक कंप्लेंट की जथेदार साहब नूं, उन्होंने सानू विश्वास दवाया कि आप इहनूं रहत मर्यादा के अनुसार जिहड़ी बनती सज़ा वह देवांगे, जां जिहड़ा महाराज का सरूप है इत्थों हटाया जाऊगा गुरु घर के विच्चों, ता कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेपत्ती है बंदा कर रहा है वह ना की जा सके। लोगों दी पथरियां कढ़न का ढोंग करता है, टकवंज करता है, जिहड़ा तुहानू सारयां नूं पता भी पथरियां का इलाज जाते ऑपरेशन ना हुंदा है जां डॉक्टरी दवाइयां नाल हुंदा है, जिहड़ा डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये बाबा है जिहड़ा ये कहिंदा है कि मैं रुमाल रख के इदां हाथ फेर के पथरियां कढ दिंदा, जिहड़ा कि किसी भी तरीके नाल अज दा साइंस दा युग है हो नहीं सकदा। ये पखंड करता है टकवंज नूं रोकण वास्ते, पहलां भी इलाके की संगत वालों बहुत तरह के यतन किए गए। तख्त श्री केसगढ़ साहब जी ते जाके सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नूं मंग पत्र भी दिता गया, उन्हां कोल जाके ये पखंडी राम सिंह अपनी गलती भी मन के आया, माफ़ी मंगी इन्हें, पर पता नहीं इनू की दी शह है, कौन है इदां दा इहदे पिछे जिहड़ा इनू बार बार ये काम करन लई उत्साहित करदा है। इस बंदे ने 15 दिन बंद किया, सिंह साहब जी को माफ़ी मंग के आए, उन्होंने वीडियो पाई, वीडियो पाउण तो बाद माफ़ी मंगण तो बाद 15 दिन पिछों फिर इन्हें दोबारा काम शुरू कर लिया, और उन्हें देखते हैं अज संगत विच भारी रोस है। ये पखंड नूं बंद कराउण वास्ते अज संगतां इत्थे चौंक दे विच बैठी हैं, वो पखंड नूं बंद कराउण वास्ते यही मंग है साडी भी, जाते वो बंदा पखंड बंद कर दे। पहली गल है कि पथरियां कढ़ियां नहीं जा सकदियां किसी भी गैबी शक्ति नाल, जे वह कहिंदा है भी मैं कढ़ दिंदा है तो मीडिया के सामने आके कढ़ के विखावे। इत्थे साडे कोल कई मरीज़ ने जिन्हां दे पथरियां ने, उन्हां दीआं पथरियां सारे मीडिया के मीडिया असीं होर बुला लांगे, तुसीं भी हैगे हो मीडिया के सामने पथरियां कढ़ के दिखावे, रुमाल असीं देवांगे। दूजे पासे अजिहे लोग जो इस बाबे कोल इलाज कराउण लई आ रहे सन, सारी गल जाण के ओह हैरान हो रहे ने। इन्हां चीज़ां नूं देख के मैं इन्हां चीज़ों नूं देख के थोड़ा हैरान हो रहा कि इतने हो की रहा, इतने हुण कुछ तो हैगा गल नहीं, इतना दवा नहीं सी, वह सिर्फ वो सी मिश्री होंगी ना थोड़ी जी मिश्री उन्हें दी सी खाने, बस आप वही सी, तो फिर उस बाद थोड़ा ठीक रहा सी, तो फिर आप इतने घूम आए थे आनंदपुर साहब, मैं क्या थोड़ा इतने भी घूम लेंगे एक बार। लोगों के मुताबिक ये बाबा पिछले 7-8 साल तो लोगों के हाथ फेर फेर पत्थरियां कढ़ण के नाते बेवकूफ बना रहा है। खैर हुण देखना यह है कि इस संबंध से अगे की कार्रवाई चलती है। हकीकत भी पंजाबी ले श्री आनंदपुर साहब तो चोवेश लटावा की रिपोर्ट है।